What is up guys, 23rd of September को Apple का जो ऑनलाइन स्टोर है वो फाइनली इंडिया में लैंड कर चुका है और हर जगह फैल चुका है। तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों क्रिएट हो रहा है, मतलब ऑनलाइन स्टोर ही तो आया। ऑनलाइन तो हम वैसे भी एप्पल के प्रोडक्ट खरीद लेते थे ना यार, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या फिर डायरेक्टली इमेजिन पे या फिर जो दूसरे प्रीमियम रीसेलर हैं एप्पल के, वहाँ जाके शॉपिंग करके। तो नया क्या आया? तो गाइज काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो डायरेक्टली हमें एप्पल के साथ शॉपिंग करने पे मिलते हैं, इसलिए एप्पल के ऑनलाइन स्टोर आने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और वो सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा अभी तक इंडिया में हम एप्पल के जो भी कस्टमर्स थे वो नहीं कर पाते थे, नहीं उठा पाते थे, लेकिन अब वो उठा पाएंगे क्योंकि एप्पल के साथ आप डायरेक्टली शॉपिंग कर रहे हो। तो क्या है वो बेनिफिट्स यार? बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं जो शायद आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, उनके बारे में अभी डिटेल में इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो कुछ बैंक ऑफर वगैरह भी आपको मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, तो देखते रहना पूरा। मैं हूँ आपका दोस्त पीयूष, आप देख रहे हो अनबॉक्स इट। चलिए गाइज, तो गाइज डायरेक्टली एप्पल की वेबसाइट पे आने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाता है एप्पल स्टोर ऑनलाइन इज नाउ ओपन, apple.com इंडिया वाली वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर यार सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी यार वो है एप्पल का लोगो। एप्पल के लोगो में यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब भर दी हैं, एयरपोर्ट से लेकर के ये एयरपोर्ट्स, ये सेटिंग्स का आइकन, यहाँ पर आईफोन लगा रखे हैं, यहाँ पर पुराने वाले एयरपोर्ट्स है, ये एप्पल पेंसिल और एप्पल वॉच और सेटिंग्स का आइकन, एप्पल म्यूजिक का आइकन। और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी इसको डेकोरेट करने में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लोगो ये बना करके दिया है ताकि जो इंडिया की जनता है वो ज़्यादा इंप्रेस हो जाए। तो लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद यार हमें दोबारा से एक और ऐसा ही बढ़िया सा लोगो मिलता है जहाँ पर वही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो वो सबसे पहले लिखा है नमस्ते, नमस्ते टू एवरीवन। तो उसके बाद जो बेनिफिट्स है उस पर मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ। तो गाइज आपको मिलता है शॉपिंग असिस्टेंस, यानी कि एप्पल के स्पेशलिस्ट के साथ आप बात कर सकते हो, यार वो तो वैसे भी कर ही सकते थे। नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी होगा, मतलब डिलीवरी का सपोर्ट अब एप्पल की डायरेक्टली एप्पल की तरफ से आपको मिल जाएगा, घर पर आप अपने एप्पल प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो और बिल्कुल फ्री होगी और बिना कॉन्टैक्ट की होगी क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक का टाइम चल रहा है। अगला बेनिफिट मिलता है हमें वेज टू बाय, मतलब आप कैसे खरीदना चाहते हो अपने स्मार्टफोन को, किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हो, वही कैश से या फिर कार्ड से या फिर वही सारे ऑप्शंस होंगे इसके अंदर। और जो नई चीज़ आई है जो सबसे ज़्यादा सही लगती है मेरे को वो है एप्पल का ट्रेड इन, जो पहले इंडिया में नहीं था वो अब एप्पल यूज़र्स को प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर एप्पल के यूज़र नहीं हो तो आप कोई भी यूज़र हो लेकिन आप एक आईफोन पे शिफ्ट होना चाहते हो तो आप एप्पल ट्रेड इन के ज़रिए अपने पुराने स्मार्टफोन की कीमत लगवा सकते हो। यहाँ पर हमें बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपके आईफोन है अगर आपके पास तो वो कितने रुपये तक एप्पल खरीद लेगा आपसे, और अगर आपका कोई दूसरा स्मार्टफोन है जैसे कि सैमसंग या फिर वन प्लस का, रेडमी वगैरह को एप्पल नहीं खरीदता। यहाँ पर कोई भी रेडमी आपको या रेडमी शाओमी रियलमी इन सब के स्मार्टफोन नहीं मिलते, तो सिर्फ वन प्लस और सैमसंग के ये कुछ मॉडल्स यहाँ पर जो डिस्प्ले किए गए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई मॉडल है तो आप एप्पल के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, नहीं तो आप शायद नहीं कर पाओगे। और जो एक और बढ़िया चीज़ आई है, यानी कि अगर आपके पास एक मैकबुक है जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है, तो आप अपने मैक को कर सकते हो कस्टमाइज। तो अभी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं और पर्सनल सेशंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको आपका आईफोन, आपका मैकबुक या फिर आपको आपका आईपैड कुछ भी चलाना नहीं आता, आपको उसे चलाना सीखना है, तो आप ये पर्सनल सेशन से मतलब सीख सकते हो। यार ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं करेगा स्पेशली इन इंडिया, तो यहाँ पर हम मैं यूज़र मैनुअल तो पढ़ते नहीं हैं और अब हम ये सब सीखेंगे। एप्पल केयर प्लस जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो आई है कि आपका एक्सीडेंटल डैमेज, फिजिकल डैमेज से लेके वारंटी, सारी चीज़ें एप्पल केयर प्लस के अंदर कवर होती है। इंडिया में पहले ये नहीं था, अब क्योंकि एप्पल का ऑनलाइन स्टोर आ गया तो ये भी आ चुका है। अगर इसमें लर्न मोर पर क्लिक करते तो हमें यहाँ पर कवरेज डेट्स राइट फॉर यू सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी कि 2 ईयर्स की वारंटी एक्सटेंड हो जाती है, टेक्निकल सपोर्ट मिलता है और जो भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ लेना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। तो गाइस चलिए देख लेते हैं कि आप अपने मैकबुक को कैसे कस्टमाइज करवा सकते हो एप्पल की तरफ से। तो यहाँ पर अगर हम पहले देखें कि यार हमें मैकबुक प्रो चाहिए 13 इंच, चलो पैसे तो है नहीं लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम देखते हैं खरीद के। खरीदने में क्या जाता है यार, पैसे ज़रूरी थोड़ी हैं, देखने में क्या जाता है। तो 13 इंच वाला यार हम बिल्कुल बेस मॉडल सिलेक्ट करेंगे। तो भाई जैसे ही आप अपने मैकबुक को सिलेक्ट कर लेते हो अपने हिसाब से कि आपको कौन सा वाला वेरिएंट चाहिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप i5 और i7 में चूज़ कर सकते हो, मेमोरी चूज़ कर सकते हो, रैम आपको कितनी चाहिए 8 GB या 16 GB, आप स्टोरेज चूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको प्राइस दिखा रहा है कि आपको इतने ज़्यादा पे करने पड़ेंगे अगर आपको इसमें अपग्रेड होना है, और या फिर आपको प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर चाहिए फाइनल कट प्रो या फिर लॉजिक प्रो, तो वो भी आप कस्टमाइज अप करा सकते हो। पहले ये ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल नहीं था, ये अब अवेलेबल हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है मैकबुक वाले यूज़र्स के लिए। ऐसे ही आप दूसरे
मैकबुक को भी कस्टमाइज करा सकते हो। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दिया। तो गाइस जो एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, वो ये कि आपको बैंक ऑफर मिल रहा है एप्पल की तरफ से। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। अगर आप एक आईफोन खरीदते हो, जैसे कि हम आईफोन एसी के लिए अगर हम जाएं बाय के अंदर, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से वाला मॉडल चाहिए। तो हमें ट्रेड इन तो नहीं करना, नो करेंगे यहाँ पर हम। यहाँ हमें रेड कलर चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम 64GB वाला वेरिएंट चूज़ कर लेते हैं। और एप्पल केयर प्लस का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आईफोन के लिए एप्पल केयर प्लस कितने रुपीज़ का आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर 9900 का आपको एप्पल केयर प्लस का प्लान मिल जाएगा। आपको एक और चीज़ यहाँ मैं बता दूँ कि जब भी आप एप्पल केयर प्लस लेते हो तो आपकी एक साल की लिमिटेड वारंटी तो आती है, 2 साल और एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि टोटल 3 साल का आपको वारंटी का पैक मिलता है एप्पल केयर प्लस को खरीदने के बाद, जिसमें आपका फिजिकल और वाटर डैमेज भी सारी एक्सीडेंटल डैमेज कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो जाता है तो वो इसमें कवर नहीं होता। और यहाँ पर अगर हम ऐड टू बैग में जाएं, मैं आपको यहाँ पर बैंक ऑफर दिखा देता हूँ फटाफट से कि आपको कौन सा बैंक ऑफर यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। तो प्रीव्यू बैग में जाएंगे, उसके बाद हमें नया एयरपोर्ट्स नहीं खरीदने भाई, पैसे नहीं है इतने। तो गाइस यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे स्मार्टफोन आप जब बाय करने जाओगे, चेकआउट के ऑप्शन के जस्ट ऊपर आपको मिल जाता है कि गेट अप टू 6% कैशबैक विद क्वालिफाइंग कार्ड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको HDFC का ऑफर यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ कि 6% का आपको कैशबैक मिल सकता है अप टू 10,000 रुपीज़। और ये अवेलेबल है 16 अक्टूबर तक, एंड 10,000 का मैक्सिमम आपको कैशबैक मिल जाएगा HDFC बैंक के क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड EMI वाले ऑप्शन पे। तो कैशबैक भी आपका 5 से 7 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। तो अब आप कैलकुलेट कर लेना आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। और ये सारे प्रोडक्ट्स पे एप्पल के, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, एप्पल वॉच, एप्पल पेंसिल, एप्पल एयरपोड्स या फिर आईपैड, आईफोन, मैकबुक, आईमैक, कोई भी प्रोडक्ट हो, सब पर ये ऑफर वैलिड है। मैंने चेक किया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो नमस्ते गाइज, आपको आपके सारे बेनिफिट्स आई होप कि पता चल गए होंगे। तो गाइज बस ये थे सारे बेनिफिट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सपोर्ट करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। आपका कौन सा फेवरेट बेनिफिट था, कौन सा बेनिफिट आपको ज्यादा फायदेमंद लगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।